थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। लालच तो आप बेवकूफ की है नहीं सर। तो दोस्तों एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं डंकी मूवी के बारे में और सलार मूवी के बारे में, और वही बात करेंगे हम गुंटुम कारम मूवी के बारे में। तो आइए बताते हैं कि ये तीनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं शाहरुख खान की मूवी डंकी के बारे में। आपको बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म डंकी को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 33 दिन पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म अपने 33 दिनों के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर चुकी है और अभी भी करती जा रही है ठीक ठाक कमाई। तो आज हम बात करेंगे फिल्म डंकी के अब तक के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन में बनी सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें फिल्म में शाहरुख खान के साथ में विक्की कौशल और तापसी पन्नू हमें देखने को मिले थे। बताना चाहूँगा फिल्म रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2023 को और अभी इस फिल्म को सिनेमाघरों में एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। आपको बता दें कि इस फिल्म के सामने प्रभास की एक्शन पैक्स फिल्म सलार रिलीज हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्शन उतने बढ़िया नहीं रहे जितने शानदार कलेक्शन पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान ने किए थे। हालांकि पठान और जवान का बजट भी 250 से 300 करोड़ रुपए था, लेकिन यहां पर डंकी फिल्म का जो टोटल बजट है वो था सिर्फ 120 करोड़ रुपए था और बजट के हिसाब से देखा जाए तो डंकी फिल्म ने दुनिया भर से काफ़ी शानदार कमाई की। जी हां, फिल्म का इंडिया कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा, साथ ही साथ ओवरसीज मार्केट से तो फिल्म ने अपने बजट से ज़्यादा कमाई कर ली थी। बात करें यहां पर डंकी के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 234 करोड़ 50 लाख रुपए का हो चुका है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 279 करोड़ रुपए का हो चुका है। फिल्म का जो ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन है यानी कि विदेशों से कमाई वो हो चुके हैं 193 करोड़ की, और इसी के साथ शाहरुख खान की डंकी का जो वर्ल्ड वाइड ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 472 करोड़ रुपए। जी हाँ, 472 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई फिल्म ने की है। जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए था और फिल्म अपने बजट से चार गुना ज़्यादा कमाई कर चुकी है, यानी कि शाहरुख खान की डंकी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। हालांकि पिछले साल शाहरुख खान ने जवान, पठान और डंकी तीन सक्सेसफुल फिल्में देकर सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब आइए वही बात कर लेते हैं गुंटुम कारम मूवी के बारे में। आपको बता दें कि महेश बाबू की फिल्म गुंटुम कारम का आज बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन है और आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गुंटुम कारम के 12 दिनों के इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी तेलुगु फिल्म गुंटुम कारम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सुपरस्टार महेश बाबू, श्री लीला और प्रकाश राज। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज हो चुके हैं 12 दिन। और अगर बात करें फिल्म के 12 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दें कि फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था और फिल्म को सिर्फ एक भाषा यानी कि तेलुगु में रिलीज किया गया था। तो गुंटुम कारम फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 149 करोड़ 60 लाख रुपए का किया था। वही 11वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ 21 लाख रुपए का रहा। हालांकि बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले फिर से ड्रॉप हो चुकी है और यहाँ पर गुंटुम कारम अपने 12वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। और इसी के साथ गुंटुम कारम का शुरुआती 12 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 153 करोड़ 91 लाख रुपए का हुआ है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 183 करोड़ 46 लाख रुपए
का बता दूं आपको कि 12 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 235 करोड़ का। जी हाँ, 12 दिनों में ये फिल्म दुनिया भर से 235 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लिक हिट का टैग मिल चुका है। आइए वही बात कर लेते हैं अब सलार मूवी के बारे में। तो आपको बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था और अपने शुरुआती दिनों में जो फिल्म ने कलेक्शन किया उसे देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान ने बल्कि साल 2023 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन सलार फिल्म की कहानी से नहीं कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट नहीं हो पाए जिस वजह से फिल्म के वीकेंड डे के बाद फिल्म के कलेक्शन में जो गिरावट ने हमें देखने को मिली और उसके बाद ये फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बात करूंगा फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो जैसा कि आपको बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रोड्यूसन किया था विजय ने। फिल्म में हमें पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रभास, कृतिक हसन और जगपति बाबू अहमद किरदार में नजर आए थे और फिल्म का जो बजट था वो 425 करोड़ रुपए था। लेकिन आपको ये भी याद रहे कि 425 करोड़ रुपए सलार फिल्म का दोनों पार्टों का बजट है। अभी एक पार्ट आपने देखा है, इस फिल्म का दूसरा पार्ट आना बाकी है जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुके है जिसको 2025 में रिलीज किया जाएगा। और सलार फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करें तो सलार ने अपने पहले ही दिन यानी कि ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 178 करोड़ 70 लाख रुपए पूरे वर्ल्ड में ओपनिंग ली थी जो कि साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग थी और ऑल टाइम हाईएस्ट। अगर हिंदी फिल्मों की बात करें मतलब इंडिया फिल्मों की बात करें तो उससे भी सलार फिल्म ने तीसरा नंबर हासिल किया था। फिल्म की अगर वीकेंड की बात करूं तो 4 दिनों का वीकेंड मिला था फिल्म को और फिल्म ने 261 करोड़ रुपए अपने पहले 4 दिनों में इंडिया से कर ली थी। इस सभी भाषाओं से वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 485 करोड़ रुपए था। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिल्म सलार के पूरे 30 दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 30वें दिन फिल्म सलार का जो कलेक्शन था वो 18 लाख रुपए का रहा था और 30 दिनों में फिल्म सलार ने 406 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर लिए थे। सभी भाषाओं में वही फिल्म का जो इंडिया भी ग्रास कलेक्शन था वो 480 करोड़ रुपए हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 242 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड टोटल कमाई थी वो 722 करोड़ रुपए हो गई थी। जी हाँ, ऑफिशियल फिल्म सलार ने पूरे वर्ल्ड में 722 करोड़ रुपए कर लिए थे। 31वें दिन फिल्म का कलेक्शन लगभग 10 लाख रुपए का रहा और आज 32वें दिन फिल्म लगभग 6 लाख रुपए कमा रही है और फिल्म की 32वें दिनों की टोटल कमाई 406 करोड़ 16 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही है। तो वही पूरे वर्ल्ड में 723 करोड़ रुपए कर रही है तो फिल्म की काबिले तारीफ है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बूस्टर हो चुकी है। वैसे आपको इन तीनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।